हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आता है कि हम लोग जब वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या फिर कोई भी फोटोग्राफी असाइनमेंट में जाते हैं, हम लोग को लगता है कि बस एक लेंस चाहिए। हमें वो बार बार लेंस निकालना, फिर फिक्स करना, ये सब बहुत ओवरहेड लगता है। बट हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि अगर मुझे एक लेंस लेके जाना है तो वो कौन सा लेंस होगा। ये बात मैं मानता हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफी में एक लेंस से यूजुअली काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल फोटोज़ के लिए हमें प्राइम लेंसेस चाहिए होता है, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंसेस की ज़रूरत होता है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमें जूम लेंसेस की ज़रूरत होता है। मतलब जब चाहे तब पास की फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं और जूम करके दूर की भी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। हमें अगर लैंडस्केप का फोटोज़ क्लिक करना है तो वहाँ का कुछ रिक्वायरमेंट्स, बिल्डिंग का फोटोज़ क्लिक करना है तो वहाँ का कुछ रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक लेंस अगर लेके जाना है कहीं पे भी, तो वो कौन सा लेंस होगा, आई वुड से 2470 2.8, क्योंकि जो वाइड अपर्चर होता है 2.8 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ सोनी 2470 2.8, इट्स अ ब्यूटीफुल लेंस। अगर आप प्राइम लेंसेज के बारे में भी सोचोगे तो 24mm रहेगा, 35mm रहेगा, 50mm रहेगा, उसके बाद 85mm है। लगभग सारे इंपॉर्टेंट फोकल लेंस यहाँ पे कवर हो जाता है। 24, 35, 50, ये सारे फोकल लेंथ कवर हो चुका है। अगर आपके पास वो एक लेंस है, अगर आपको कोई घर का फंक्शन है, आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट हो, इट्स गोना डेफिनेटली गिव यू प्रोफेशनल लेवल फोटोज। 70mm की वजह से हम अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर आएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और 24mm की वजह से पास के ऑब्जेक्ट्स को भी हम फोकस कर सकते हैं। सोनी का जो 2470 2.8 का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, हाई रेजोल्यूशन, एक्सट्रीमली शार्प इमेजेस आपको मिलेगा, दैट टू विद प्रीटी गुड शार्पनेस इन द एजेस। वाइड एंगल लेंस में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि बीच में बहुत शार्प होता है और एजेस में उतना शार्प नहीं होता है। 2470 2.8 सोनी का जो जी मास्टर है, वे ग्रेट शार्पनेस इन द एजेस। और दूसरी बात है कि मोस्ट ऑफ द लेंसेस अपने जो वाइडेस्ट अपर्चर है उसमें उतना शार्प इमेजेस नहीं मिलता है। इन केस ऑफ सोनी जी मास्टर 2470 2.8 में भी आपको एब्सोल्युटली शार्प इमेजेस मिलेंगे। मैंने रिसेंटली एक होटल विजिट किया था, मैंने वहां का रूम का कुछ पिक्चर्स लिया, एंड लुक एट दिस पिक्चर, द इमेज इज एब्सोल्युटली शार्प। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी में मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पिक्चर्स लेना था। कोई भी असाइनमेंट हो, ये जो लेंस है 2470, बिकॉज ऑफ इट्स फोकल रेंज एंड बिकॉज इट इज सोनी जी मास्टर, इट विल गिव यू एब्सोल्युटली प्रोफेशनल पिक्चर्स। रिसेंटली मैंने बैडमिंटन स्पोर्ट्स एथलीट पूवी शर्मा, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया, आई टेकन सम पिक्चर्स। आई टुक द पिक्चर्स व्हेन द ट्रेनिंग वाज गोइंग ऑन। मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। सोनी 85mm प्राइम लेंस भी लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड द बैकग्राउंड ब्लर, हैवी बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटोज भी चाहिए था। बट सम ऑफ द शॉट्स आई कुड यूज ओनली 2470, ऑलमोस्ट सारे शॉट्स दे वर इन फोकस। तो बेसिकली ये एक अल्ट्रा शार्प लेंस है, काफी अच्छा बोका देता है। F2.8 पे भी आपको अमेजिंग शार्पनेस मिलेगा। इमेज स्टेबलाइजर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोनी हाई एंड कैमरास में वो आपको मिल ही जाएगा। 2470 फोकल लेंथ तो अच्छा है ही, इस स्पेसिफिक लेंस में बहुत कुछ अच्छा है। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अगर हम लोग एक प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर हम लोग बहुत कैजुअल शूट के लिए जा रहे हैं, उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, हमें साइज और वेट से बहुत फर्क पड़ जाता है, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर लेंस कैन बी अ डिसएडवांटेज। एंड बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग लेंस, ऑब्वियसली इट्स अ जी मास्टर लेंस, द प्राइस इज अराउंड 1.6 लाख। एग्जैक्टली कितना प्राइस है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सोनी का लिंक और अमेजोन का लिंक दोनों मिल जाएगा। तो सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल हो, अगर आपको सिर्फ बेस्ट से मतलब है, आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इन दैट केस आपको जी मास्टर 2470 2.8 सोनी इज अ गुड चॉइस। लेंस चॉइसेस में सोनी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ। करेंटली आई एम यूजिंग जी मास्टर 2470 2.8 सोनी। सो इफ एट ऑल यू आर लुकिंग फॉर दैट वन लेंस, और अपर्चर क्योंकि वाइड होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्लाइटली ब्लरी बैकग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ मोर लाइट, द अपर्चर शुड बी 2.8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।